नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। पलामू जिले के पांकी प्रखंड के सगालीम वनांचल ग्रामीण बैंक के खिलाफ 5 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान राजेंद्र सिंह ने झामुमो नेता डॉक्टर शशिभूषण मेहता के आश्वासन के बाद खत्म कर दिया है। झामुमो नेता डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। झामुमो नेता ने कहा कि किसान राजेंद्र सिंह की लड़ाई वे स्वयं लड़ेंगे। केंद्रीय अध्यक्ष जी, उनके आश्वासन से जी हमने इस अनशन को तोड़ने जा रहा हूँ। जो इन्होंने आश्वासन दिए कि किसी भी हर हालत में इस लड़ाई में हम साथ में हैं, विधानसभा में इस लड़ाई को हेमंत जी के माध्यम से उठाया जाएगा, उस सत्र में रखा जाए। और एक आश्वासन ये भी दिए कि जे हाई कोर्ट के द्वारा इसको हम इस चीज को करेंगे, कंप्लेन करेंगे पूरी ताकत के साथ। और एक चीज और आश्वासन दिए जे पलामू के उपायुक्त महोदय डीसी साहब से वार्ता हम करेंगे, इस विषय पर मांग करेंगे जो दोषी हैं उन पर जांच कर कार्रवाई उचित कार्रवाई हो अविलंब। ठीक है, धन्यवाद। आप बताइए। राजेंद्र सिंह जी सफल किसान हैं, इनके साथ दो पुराना इंजन दे करके इनको ठगा गया था एजेंसी के द्वारा, और बैंक इसमें भी रुचि नहीं लिया, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा ये हो गया। कभी ये मोटर चलाए नहीं, अब इनका सूद बढ़ करके हो गया 48-50 हज़ार। एक गरीब है, सो देने की स्थिति में नहीं है, इनके साथ धोखाधड़ी हो गया। अब ये जो मांग को लेकर के आज 5 दिनों से अनशन पर हैं, इनका मांग को हम लोग समर्थन करते हैं। यहाँ के किसान तभी सभी समर्थन करते हैं। आने वाले समय में डीसी इसका रुचि लें, और इसके बाद सो हम लोग उपभोक्ता फोरम है, सो हम लोग उसको अभी उसी की लाइट में हम लोग सो देखेंगे, कोर्ट में जाने लायक बात को देख रखवाएंगे, और इनके सो डिमांड को पूरा करवाने का काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा इनके साथ में है। आने वाले समय में हेमंत जी को जो आने वाले हैं पांकी विधानसभा में, उनको हम लोग अब इनकी बात को रखेंगे, इनसे मिलवाएंगे, और इसके बाद में विधानसभा में इनका आवाज़ को उठवाने का, इनका डिमांड को उठवाने का काम करेंगे। धन्यवाद। और एक चीज़ और, थोड़ा सा हमने रखा प्रस्ताव कि किसान क्रेडिट कार्ड जो 2007 से 18 तक 17 तक जो किया गया है, बिचौलिए और दलाल के माध्यम से इसे सीबीआई जांच करने के लिए हमने बराबर मांग किया। तो ये राजेंद्र सिंह जी हैं, और राजेंद्र सिंह लगभग 3-4 दिन संसद में बैठे हुए थे। इनका मांग था कि इनको डीजल पंप सरकार के द्वारा मिला था, लोन पर मिला था, जो डुप्लीकेट दिया गया, दो बार खराब हुआ, ये चेंज हुए, अंत ये परेशान होकर बैंक से और सारा जगह से, अंत में इन्होंने चिट्ठी भी सारा जगह लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ सरकार के द्वारा। और इसके एवज में इन्होंने लास्ट में आंदोलन का रूप लिया और अनशन पर इन्होंने बैठने का काम किया। इनको इनके साथ लगातार सब लोग समर्थन में रहे। अंत झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय सचिव डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी के पहल पर राजेंद्र सिंह ने अपना आज अनशन को समाप्त किया, जिसके गवाह के रूप में सारे आज गार्जियन लोग और इस गांव के लोग सब उपस्थित हैं, और सबके समक्ष इन्होंने अनशन को समाप्त करने का काम किया है, और ये हम लोग यहां उपस्थित हैं, और धन्यवाद। इसके लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं जाना पड़ेगा। झामुमो नेता ने कहा कि किसान के साथ अन्याय करने वाले सावधान हो जाएं, किसान के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसानों के हक के अधिकार के लिए लड़ाई जारी रहेगी, दलालों को पांकी विधानसभा में कोई जगह नहीं है। डॉक्टर मेहता ने कहा कि हेमंत सोरेन से इस मामले को मिलकर विधानसभा में मामला उठाने का प्रयास कराएंगे, ताकि बैंक में हुई गड़बड़ी की जांच उच्च स्तरीय व किसान राजेंद्र सिंह को न्याय मिल सके। बता दें कि खेती करने को उद्देश्य से राजेंद्र सिंह 15 जनवरी 2007 को वनांचल ग्रामीण बैंक से ऋण के रूप में 8 एचपी का डीजल पंप लिया था। पंप का सप्लायर पलामू इलेक्ट्रॉनिक्स था। कंपनी का नाम पता पंप एक सप्ताह बाद ही खराब हो गया, जिसकी आज तक मरम्मत नहीं हुई है। मामले की शिकायत लेकर बैंक प्रबंधक व सप्लायर के पास पहुंचे, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। निराश होकर उसने उपभोक्ता फॉर्म मामला दर्ज कराया। उपभोक्ता फॉर्म न्यायालय ने 6 नवंबर 2007 को राजेंद्र के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बैंक व सप्लायर क्षतिपूर्ति पूर्ति करने का निर्देश दिया। न्यायालय के फैसले के बाद भी बैंक व सप्लायर क्षतिपूर्ति देने के बजाय उसे बराबर हतोत्साहित किया।
उपभोक्ता फार्म न्यायालय के फैसले के बाद भी उन्हें क्षतिपूर्ति नहीं मिलने के बाद राजेंद्र सिंह दोबारा 2013 में जिला व राज्य उपभोक्ता फार्म में मामला दर्ज कराया, लेकिन जिला व राज्य उपभोक्ता न्यायालय में उन्हें कोई न्याय नहीं मिला, जिससे किसान बैंक के खिलाफ आमरण अनशन कर रहा था। धन्यवाद।